तो गाइस आज खाने में पत्ता गोभी और चपाती और यहाँ पर हमने लस्सी रख दी और चूल्हे की ताजा रोटी पड़ रही है गर्मा गर्म। तो गाइस निकल रहे हैं पांगना की साइड, तो हमारे विनोद भाई और पीछे है नानक सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये बिजली बोर्ड में इनको 12 साल होगी, तो मेरा सुखू सरकार से यही निवेदन है कि इनके बारे में सोचे थोड़ा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको प्यार से गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए 10, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि मेरा काम है फील्ड में जाने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर घर है, यहाँ से लेकर ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऊपर, मतलब पूरा हार्ड वर्क है। तो मैं खाली पेट इतना सफर नहीं कर सकता, घर वालों ने बोला कि खाना खा ले, तो वैसा कुछ नहीं होता है, बोलना तो माफ़ कर लेते हैं। तो अभी मतलब हम कुछ सोच रहे हैं करने की इसके बाद, नेक्स्ट मंथ के बाद। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, हमें प्यार बनाओ अपना वीडियो पे। और अभी तक आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मतलब ऐसा ही लाइक करें करो वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेक्ट करने का। तो अब से आप बताओ मुझे कि आप कंटिन्यू ब्लॉगिंग देखना चाहते हो मेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर देख सकते हो आप पहुँच गए पुल के पास, यहाँ से लेकर पहाड़ी ऊपर हालत पतली हो जाएगी मेरे को लग रहा है कुछ आज। बस यहाँ पर खच्चर हमें दिखाई दिए हैं, तो घास खा रही हैं। तो अभी ये वाला गांव रह गया और यहाँ से ऊपर, उसके बाद निकलना है पार से लेकर मुझे पांगना। तो वहाँ काफ़ी नीचे से आया हूँ, काफ़ी नीचे मैंने घर कर दिए क्लोज, तो अभी चले जा रहा हूँ। और धूप भी बहुत ही तेज लगती हुई, चक्कर आने की संभावना है, लेकिन आपका भाई स्ट्रांग है। अगर मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो उस टाइम मतलब कब का गिर गया था नीचे। तो अंकल जी ने हमें यहाँ पर दूध का गिलास और ड्राई फ्रूट दे दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। तो गाइस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम चलते चलते, तो अब वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से नीचे एक गांव और है, तो इस वाले सड़क से जाना है, फिर मुझे शाना शाना से फिर बाजार। तो ऊपर वाले घर मैंने सारे क्लोज कर दिए हैं, तो इतना टाइम ही नहीं पास क्योंकि मैं जल्दी जल्दी क्लोज कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब करते हैं इसको जल्दी से क्लोज, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख सकते हो आप ये वाले जो पूरा है, यहाँ से मैंने ये वाले सारा गाँव क्लोज कर दिया है। तो अभी मेरे को कल ऊपर रह गया ऊपर टॉप टॉप पे, तो अभी हम जा रहे हैं पांगना की साइड, तो काम हमने क्लोज कर दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब हम जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों ने फ़ोन कर दिया था भाई कहाँ हो, तो देखते अब मिलते हैं उनके साथ और देखते हैं इसके बाद क्या क्या सीन होते हैं, दिखाएंगे आपको आए गए नज़ारे। तो भाई ये है सब डिवीज़न पांगना का दफ्तर, तो देख सकते हो। तो निकल रहे हम यहाँ से नीचे शॉर्टकट रास्ते से, हमारे लिए भी पूरा ऑफ रोड ही है। और यहाँ पर जूते के हाथ देख सकते हो आप, मेरे को जूते का काम कराना पड़ेगा सबसे पहले नीचे जाके। तो पहुँच गया मेन रोड में, अब यहाँ से चलने का मज़ा आता है, आनंद ही आता है इसमें चलने। तो यह पांगना माता का मंदिर है, यह पुलिस चौकी और नीचे पूरा पांगना बाजार देख सकते हो आप। निकल रहे हैं बाजार के लिए, तो यहाँ से ले गए यहाँ से शॉर्ट नीचे। तो आज देख सकते हो आप बाजार भी खाली है, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल खाली। होली के टाइम ऐसा बाजार था पिछली बार, जब पिछली बार हमने यहाँ पर होली बनाई, तो पिछली बार ऐसा माहौल था। यहाँ पर देख सकते हो नीचे हमें एक अंकल जी दिखाई दे रहे हैं, तो आज तो चल छुट्टी भी है खैर सरकारी दफ्तरों में। यहाँ पर देख सकते हो आप मीट शॉप में कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस पहुँच गए पांगना में, तो हमें यहाँ पर राजू भैया मिल गए। राजू भैया हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, इनके साथ लगा मिल के। तो अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पर हमें सुल्तान जी दिखाई दिए, और सुल्तान भैया और सुल्तान भैया हमारे, तो फिर हम यहाँ पर गोटे और सुल्तान जी भी यहाँ गोटे का आनंद लेते हुए और भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको। और जय शिव शंकर, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या बात है भोलेनाथ अंदर जाना। और यहाँ पर हमारे मासड़ जी हैं, बैठ गए हैं बस में, तो निकल रहे हैं अब घर की ओर। तो हमारे साथ सुल्तान भैया हमारे भाई साहब, वही निकल चुके हैं पांगना से, टॉप रोड ही है। तो गाइस अभी जस्ट बस से उतरे छिंडारा वैली में, तो अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर को। तो सुल्तान जी जा रहे हैं घर, तो इनकी वाइफ ने इनसे कुछ सामान मांगा था कि मोमोज और चौमिन लेके आना, तो वो ले जा रहे हैं देख सकते हो आप, और मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर हमें बुजुर्ग आदमी दिखाई दिए और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बैठे हैं, और तो निकल रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से। और मेरा सुल्तान भाई हेलो बोलते हैं पब्लिक के लिए, हेलो बोल दो हेलो। तो सुल्तान भाई हमारे, तो गाइस यहाँ पर है शिव मंदिर, आपने देखा मेरा एक पहले व्लॉग आया था, तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पर। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया, और सुल्तान भी हमारे साथ चले कंटिन्यू। तो इस तरह का कुछ रोड है यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या ही बोलिए। और ये गाड़ी विलेज है, तो पहुंच गए हम शिव मंदिर में। तो यहाँ पर मेरे पहले भी ब्लॉग आ गए हैं, मैं दो बार बोल चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर तनु और साक्षी मेरी बहन है, तो
तो देख सकते हो यहाँ पर कार्यक्रम चला है, भजन भोजन चला है यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया संजय गौतम जी वहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो आप, तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर भोलेनाथ और तनु जी यहाँ पर फोटो शूट चला है, तनुकर साक्षी फोटो निकाल रही है, तो अंदर भोलेनाथ जी है, हम दिखाएंगे आपको, देख सकते हो। गाइस देख सकते हैं हमारे के व्लॉगर्स पहुँच चुके हैं शिव जी के पास, शिव जी से मांग रहे हैं कि 1,00,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए, तो शिव जी इनकी बात अवश्य सुनेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे शिव जी विराजमान है बिल्कुल, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो धूप जला रहे हैं हम यहाँ पर, तो तन्नु यहाँ पर सेल्फी के बारे में कुछ बात कर रही है, तो अभी धूप जलाएंगे उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पर ही लड़कियाँ अभी निकल रही हैं यहाँ से फोटो शूट के लिए, हम भी फोटो शूट करते हैं यहाँ पर, तो कुछ मौसम इस तरह का है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सुल्तान जी यहाँ पर ध्यान मगन है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी प्रसाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पंडित जी बहुत ही बढ़िया काम करते हुए, देख सकते हो आप क्या बात है इनकी, और हमें यहाँ पर प्रसाद आ गया, और यहाँ पर मेहता जी हमें मिले, मेहता जी हेलो बोल दो, हेलो साई यहाँ पर आए, और तन्नू वहाँ पर बैठी, और गीतू भाई रेडीमेड वाले आपने देखा इनको मेरे पहले वाले ब्लॉग पे, और यहाँ पर मियाँ जी भागते हुए और कुछ सामान कर रहे हैं वहाँ पर। तो गाइस निकल चुके हैं मंदिर से, तो यहाँ पर भाई ने ट्रैक्टर लगा दिया अपना, भाई है हमारे का, तो यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे तेजू भाई, तो इनकी अभी शादी हुई, तो भाई शादी मुबारक हो आपको, तो ये जवान देखना, और इन भाई साहब की शादी होगी सुल्तान जी की भी, ये देखने को इतने मासूम लगते हैं लेकिन है नहीं, तो यहाँ से धूप काफ़ी झट चुकी है, और हम सड़क के करीब ही हैं वहाँ पर सड़क के ऊपर से, तो जाएंगे यहाँ से अब घर में, मिलते हैं आपसे। तो निकल रहे हम शॉर्टकट रास्ते से घर की ओर, तो अब अकेला ही हूँ मैं अपने गांव से, तो चले जा रहे हैं। तो गाय जब हम जस्ट घर में पहुँचे तो कपड़े वपड़े चेंज किए, और जा रहा हूँ मैं अब गाय को अंदर बांध रहे हैं, तो हमारे गांव के कुत्ते, ये देख सकते हो आप लाली जो मेरे घर में आती है, तो इसके दो छोटे छोटे पप्पीज, एक मर गया और एक कहीं वहाँ पर होगा, एक हमने किसी को दे दिया था, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, देख सकते हो। तो गाइस हमने खाना वाना बना दिया, तो जला दिया आग, तो बाहर काफ़ी रात हो चुकी है, तो बस अभी धूप बत्ती करनी है, उसके बाद मिलते हैं आपसे, धूप बत्ती कर लूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे डिनर पर। तो जला रहे हम धूप भोलेनाथ जी को, ये भोलेनाथ जी यहाँ पर हमारे, तो धूप बत्ती कर लिया हमने, तो हमने इनसे मांगा कि हमें जल्द से जल्द खाने में आलू राजमा और मीठा यहाँ पर रख दिया हमने, थोड़ा सा प्याज काट करके दिया, और यहाँ पर खट्टा बन रहा है, तो चूल्हे का लगा इसमें बढ़िया सेक, तो राजमा की दाल यहाँ पर, बर्तन थोड़े काले हैं आपको पता ही है कि चूल्हे के बर्तन ऐसे ही होते हैं, और ये गैस का बर्तन है, कुकर देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया, और पिताश्री यहाँ पर खा रहे हैं। तो गाइस आ गए हैं डिनर करके सोने अब, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, ऑल लव यू।